सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग के ऊपर क्या असर होता है, इस सीरीज का अगला भाग पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। और आज के संदर्भ में समझेंगे कमर दर्द के विषय में कि कमर दर्द क्यों होता है। आजकल कमर दर्द से बहुत लोग पीड़ित होते हैं। कमर दर्द के पीछे वास्तविक कारण क्या सिर्फ उम्र है? तो सामान्यतः लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कुछ घिस जाते हैं, हड्डियां घिस जाती हैं, उसके कारण जो है यह दर्द उभर जाता है, नसों में कुछ खिंचाव हो जाता है, तो ऐसी बातें कहते हैं। और महिलाओं को गर्भाशय संबंधित जो मेनोपॉज जब हो जाता है तो गर्भाशय संबंधित कुछ परेशानी आ जाती है, तो उसके कारण बताते हैं कमर दर्द शुरू हो जाता है। परंतु हम लोग यहाँ विचार, व्यवहार और चरित्र पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनका क्या असर होता है इस विषय पर। तो जब भी कमर दर्द होता है तो इतना समझ लीजिए कि इसका अर्थ है कि वह जो व्यक्ति है वह, क्योंकि कमर हम लोग का जो है ऐसा हिस्सा है जो हम लोग के शरीर को थामे रखता है और शरीर को गति देता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने में। तो जिस व्यक्ति को अब आगे की गति नहीं दिखती है, जिस व्यक्ति को अब यह लगता है कि अब आगे क्या है, अब तो जो मैंने करना था कर लिया, अब आगे कुछ है नहीं, कुछ विशेष है नहीं, ऐसा उसके अंदर में लगने लगता है। यानी उसका कोई मोटिव नहीं रह जाता है फिर आगे जीने का, कोई इंस्पिरेशन नहीं रह जाता है आगे जीने का, कोई प्रेरणा नहीं रह जाती है, वह कोई निर्णय नहीं कर पाता है, निर्णय लेने की क्षमता का भी उसमें अभाव हो जाता है। तो जीवन शक्ति जो है वह घटने शुरू हो जाती है, उसका असर कमर पर पड़ता है, क्योंकि कमर से ही हम आगे चलते हैं। आगे चलने की मनोदशा नहीं रही, अब प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं कि अब हमें आगे चलना है। उन्हें आगे लगता है अब आगे क्या, अब तो बस मरना है तो अब आगे उनको चलना नहीं है। उन्हें लगता है अब जीवन में जो पाना था सब पा लिया, अब कुछ पाना भी नहीं है, और पाने के लिए जो महत्वाकांक्षा चाहिए और उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए जो संकल्प शक्ति चाहिए और उसके लिए जो बुद्धि चाहिए, उसके लिए जो योजना चाहिए, वे उनमें नहीं होती है, इसलिए कमर दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे राजनेता लोग हैं जिन्हें उनकी उम्र 80-90 के करीब पहुंच गई है लेकिन उन्हें कमर दर्द नहीं होता, चलते हैं जोर से, क्योंकि उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे पाना है, मुझे हासिल करना है, उसके लिए योजना बनाते हैं, धन लगाते हैं, तो उनके दिमाग में भी शक्ति है, शरीर में भी शक्ति है, इसलिए कमर में बल है। कमर में बल तभी आपका रहेगा। कमर आपका दर्द कर रहा है इसका मतलब है आप में डिसीजन लेने की क्षमता घट गई, आप में महत्वाकांक्षा घट गई, आगे चलने की प्रेरणा घट गई, आगे योजना बनाने की ख्वाहिश घट गई, और अपने किसी कार्य रूप को नज़रअंदाज आप कर रहे हैं, आप अपने जीवन को अब एक भार स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए होता है। और जो महिलाओं की बात है तो महिलाओं में भी यही मनोदशा लागू होती है। बच्चे पैदा हो गए, अब क्या है, अब तो उनको अपना सेक्सुअल लाइफ भी जो है अब बेकार टाइप का लगने लगता है, या उनको लगता है अब हम चूक चुके, अब हम वे पटाखे हैं जो चल चुके तो ऐसे में उनको भी कमर दर्द की शिकायत होती है। ये इस मनोविज्ञान से चलता है जो कि बाद में मांसपेशियों पर, हड्डियों पर असर करता है। हड्डियां हमारी खिंचती हैं, नो डाउट, लेकिन वे बनती भी तो हैं,
तो उनको बनने के लिए जो प्रेरणा चाहिए होती है वह आप नहीं डाल रहे हैं, वैसे खुराक नहीं आएगी, वैसे भोजन उनको नहीं मिलेगा। भोजन आएगा तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भोजन खाली खाना जरूरी नहीं है, उसको ग्रहण करना भी जरूरी होता है। तो वह ग्रहण करने की क्षमता जब नहीं रह जाती है तब इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं कि उन्हें कमर संबंधित परेशानी आने लगती है। यदि आप अपने इन मनोभावों को बदलें तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपके कमर दर्द में आराम मिलने लगा। आप झुकने की प्रेरणा नहीं लेते हैं। हमें आगे और पीछे दोनों की ओर झुकने की प्रेरणा लेनी चाहिए। कमर क्या है? झुकने के काम में आता है। तो आगे भी झुके, पीछे भी झुके, साइडवेज भी मूवमेंट करें। इसलिए वे जितने आसन हैं जो आगे की ओर झुकने वाले हैं, जितने आसन हैं जो पीछे की ओर झुकने वाले हैं, जितने आसन हैं जो साइड में झुकने वाले हैं, उन सबको करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप हर दिशा में, क्योंकि गति हमें हर दिशा में करनी है, साइडवेज भी करनी है गति, फॉरवर्ड भी करनी है, बैकवर्ड भी करनी है। और उम्र जो है ये कमर में है, ये जान लीजिए, उम्र कमर में है। जिसकी कमर अब पीछे नहीं झुकने लगी वह अपने उम्र को अब गंवा रहा है। उसकी उम्र जो है अब कम हो रही है बहुत तेजी के साथ और बहुत तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जब आप पीछे की ओर मुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप आपकी जो कमर जो आगे झुक रही थी, जिसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच रही थी, अब वो खड़ी हो गई, पुनः ऊर्जावान हो जाएंगे। ऊर्जा की कमी सिर्फ इसलिए होती है कि आप पीछे नहीं मुड़ पाते हैं। जो व्यक्ति जितना पीछे मुड़ सकता है उतनी उसमें ऊर्जा होगी। और इसलिए हमें इस मनोदशा से जीना है कि हमें पीछे मुड़ना है। तो वे सारे आसन जो पीछे मुड़ने वाले, जैसे सर्पासन हुआ, उष्ट्रासन हुआ, चक्रासन हुआ, वृत्तासन हुआ, सुप्त वज्रासन हुए, धनुरासन हुए, इनको करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में ऊर्जा पुनः जाओ। कुछ दिन में हो सकता है दर्द करे, क्योंकि आप नए काम को करेंगे तो कुछ दर्द करेगा, लेकिन आप लगातार जारी रखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़िया हो जाएगा नस नाड़ियों में और वहाँ की कोशिकाओं में, और आप में ताकत आ जाएगी और उससे आप देखेंगे कि आपको कमर दर्द धीरे धीरे ठीक हो गया और आप नए नए कार्यक्रम, नए नए प्लानिंग बना सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। आपको जीवन में फिर से उत्साह नजर आएगा और आपको लगेगा कि मैं कुछ ये कर दूं, कुछ वो कर दूं, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, धार्मिक काम, कुछ ना कुछ आपको लगेगा। आपका जीवन ऐसा नहीं लगेगा कि आप बिना उद्देश्य का हो गया और खराब हो गया। तो आप ऐसा करके देखें, आजमा के देखें, आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। ओम।